सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया जिसमें पिछड़ गए साथी जज। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस साल की आखिर में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए करीबन 8 साल हो गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। इसके बाद नवंबर 2022 में उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने काम के मामले में अपने साथी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से लेकर 13 मई 2024 तक जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्ड 1211 बेंच का हिस्सा रहे। जजमेंट के मामले में अपने साथी जजों को पछाड़ दिया। कितने जजमेंट लिखे हैं? सीजेआई चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 से 14 मई 2024 के बीच कुल 557 जजमेंट लिख चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथी सिटिंग जजों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने साल 2019 और साल 2021 में सबसे ज्यादा फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले सर्विस मैटर से जुड़े केसेज में दिए। सर्विस केसेज में 14 मई तक 125 जजमेंट लिखे। इसके अलावा आपराधिक मामलों में 116 जजमेंट दिए गए। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज में 68 फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फैसलों के जरिए लगातार चर्चा में रहे हैं। साल 2017 के मशहूर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि भारत का संविधान निजता के मौलिक आधार की गारंटी देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ भी इस संविधान पीठ का हिस्सा थे। इसी तरह साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चूंकि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कार्यपालिका की अनिवार्य विशेषता है, इस नाते इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ही कर सकता है।